चले देखे, कोई आए हैं डिबेट करने, ओपन चैलेंज आए हैं। हाँ जी, ओपन चैलेंज, बताएं क्या कहना चाहते हैं। दो हिस्ट्री बुक्स हैं, ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक्स हैं, बुद्ध से पहले ब्राह्मण इंडिया में आए बोल के प्रूफ है, तो मैं लास्ट टाइम आया था उसी का प्रूफ देने, लेकिन आपने बोला कि आप किसी दूसरे लिंक नहीं खोलेंगे, तो मैं आज मैं खुद उस उन लिंक को, उस बुक्स को प्रेजेंट करने के लिए मैं आया हूँ। तो आप अगर मुझे परमिशन देंगे, मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ सर, तो बिल्कुल प्रेजेंट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, दिखाइए। स्क्रीन दिख रही है, मैंने ओपन कर दिया। स्क्रीन दिख रही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रही है, आप बताते जाइए जी। दो बुक्स हैं सर, एक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय हरमन कुल्क एंड डेटमार रोथरमन, दूसरा बुक है इंडिया ए हिस्ट्री, ये लिखे हैं जॉन की। ठीक है सर, ठीक दोनों है। में दिखाऊंगा, पहले इस बुक में। चलिए चलिए, दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं, वही दिखाइए। सर अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? अरे बिल्कुल आ रही है, आप दिखाइए ना क्या दिखाना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जी आवाज आ रही है सर आपकी, आ रही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, दिखाइए जी। जो दिखाना चाहते हैं उसका पेज एक बार निकाल लीजिए, 29 नंबर पेज। जी जी अभी दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है जी। इमिग्रेशन एंड द सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ द इंडो आर्यंस, ठीक है। इमिग्रेशन एंड द सेटलमेंट ऑफ इंडो आर्यंस, अर्ली इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट After the rise and fall of the Indus civilization, a semi-nomadic people which called itself Arya in its sacred hymns came down to the northwestern plains through the mountain passes of Afghanistan, northern Afghanistan. In 1786, Sir William Jones, the founder of Asiatic Society of Calcutta, discovered the close relationship between Sanskrit, the language of these Indo-Aryans, and Greek, Latin, and German and Celtic languages. His epoch-making discovery laid the foundation for a systematic philosophical study of the Indo-European family of languages, which, as we know by now, includes more members than Jones had once assumed. तो यहाँ पे आता है जी, ये कह रहा है कि 1786 यानी सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़े जाने से पहले, गुप्ता वंश के अभिलेख पढ़े जाने से पहले, जो विलियम जॉन्स थे उन्होंने, चूंकि संस्कृत ही उस समय भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती थी, तो उसको आधार बना के, और जो वो थियरी थी कि ब्राह्मण विदेशी आया है वो बताते भी आए थे, उसको उन्होंने मान लिया, सिमिलैरिटी चेक कर लिया कि संस्कृत में और बाहर के यूरोपियन देशों में सिमिलैरिटी, यही बात यहाँ पे आई है जी। तो वो तो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, ये अब दूसरा बुक है जॉन की का, ये ग्रीक वैल्यूज बोल के 1700 से लेकर 900 BC तक इन्होंने बोला है, ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं सर, क्योंकि द मिथिफाइड आर्यन, द हरप्पंस विंकल्ड आउट ऑफ ऑब्लिवियन बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स ट्रेवल एंड स्क्रूटिनाइज्ड बाय स्कॉलर्स फ्रॉम एवरी कंसीवेबल डिसिप्लिन हैव लेटली बीन अट्रैक्टिंग फंड्स एंड एडवांसिंग ऑन ऑल फ्रंट्स जस्ट लाइक देयर एम्पायर। द आर्यन On the other hand, they of that rich Sanskrit literary heritage, whence all knowledge of India's ancient past was traditionally derived, are in retreat, badly discredited by overzealous championship in the 19th century and then by Teutonic adoption in the 1930s. The mighty Aryans have fallen from academic favor, question tantamount to heresy amongst an earlier generation of historians. Are now routinely raised as to who the Arya were, where they came from, and even whether they were really a distinct people. So, ये एक introduction इन्होंने दिया, और इन्होंने ये कह रहे हैं, for Hindus, of course, ये एक मिनट सर, ये कौन सी शताब्दी पे आए हैं? For Hindus, of course, the traditions of Sanskrit literature are still sacrosanct. ये भी पढ़ लेता हूँ सर. It is doubtful whether the term Arya was ever used in an ethnic sense, writes Romila Thapar, doyen of ancient India's historians. What she calls the Aryan problem or myth is now to be regarded as perhaps the biggest red herring that was dragged across the path of India's historian. The authenticity of all those Sanskrit literary compositions remains undisputed. The authenticity of all those Sanskrit literary compositions remains undisputed. Isme koi daura hi ही नहीं है जी। So does their seminal importance in India's social, cultural and religious development. But whether those who composed them were anything more than a proud minority, self-consciously endeavoring to retain their mainly linguistic identity amongst a diverse, industrious and probably indifferent local population is questionable.
For Hindus, of course, the traditions of Sanskrit literature are still sacrosanct. Vedic prayers are still said. Televised serializations of Sanskrit epics can bring the entire nation to a hushed standstill. The compositions of the ancient Arya are not just history. They are the nearest thing to revelation. The Arya themselves, though, are not revered and never have been. In no sense are they seen as a divinely chosen people. Individual priests, heroes, sages, and deities are cherished, but their ethnic affinity is neither emphasized nor invariable. This is unsurprising since in Sanskrit, the word Arya is usually adjectival. Certain people or classes once used it to distinguish themselves from others. It was clearly a good thing to be. But like many words, its meaning changed over centuries and the original is now hard to pin down. In English, it is variously rendered as pure, respectable, moral, or noble, wealthy. By the time it had traveled to South India and thence on to what is now Indonesia, it had simply become a respectful term of address like Sahib or Mr. Arya. Aryans, on the other hand, as a generic title of a distinct race of people to which Arya adjective exclusively applied, nowhere feature in Sanskrit literature. They only appeared when Europeans got to work on Sanskrit, and it was not the literature which so inspired Europe scholars, but the language itself. फिर से ये आते हैं उसी विलियम जोन्स के ऊपर आते हैं। आपने दोनों चीजें दिखाई, दोनों चीजें मैंने देख ली। इनमें अभी तक एक भी सिंगल अभी एक हाँ एक भी सिंगल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है इसमें मुझे। ये सिर्फ जो लेखक है उन लोगों की कल्पनाएं हैं जो तमाम तरह के कि इस हिस्टोरियन ने कहा, या आर्यन शब्द जो है संस्कृत में विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, या वो आए जो क्लेम्स हैं, अभी तक सिर्फ क्लेम की गई है। क्लेम के सपोर्ट में एक सिंगल एविडेंस अभी तक नहीं दिया गया है, समझ रहे ना। यहाँ पे जो दो चीज बार बार कोट की गई है कि विलियमसन, जॉन विलियमसन, और 1785 या 1776 की जो बातें की गई है, जो दो टर्म यूज किए गए हैं, वो याद रखिए कि ये अभी तक भाषा के आधार पर उनको विदेशी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भाषा का आधार बार बार 1776 का जो विलियमसन का जो उन्होंने बनाया था संस्कृत से कंपेरेटिव, उसको आधार मान रहे हैं। जबकि 1776 में गुप्ता वंश की भी लिपि नहीं पढ़ी गई थी, वो लिपि 1817 में पढ़ी गई और 1837 में सम्राट अशोक की। यानी भारत की जो पिछले 1000 साल से पुरानी जो भाषा थी, लिपि थी, उसकी जानकारी इन लोगों को नहीं है, तभी ये चीज गढ़ दिए थे। अब बताइए जी, अब मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। तो ये नॉर्मली ब्राह्मण जितने भी हैं वो बोलते हैं कि हमारा तो लाखों साल का हमारा इतिहास है बोल के बोलते हैं, लेकिन ये यूरोपियंस ये क्यों बोल रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ये आर्य है बोल के यूरोपियन लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि जो बोल रहा है वो उसके एविडेंस क्या दे रहा है। यहाँ सारा खेल एविडेंस का है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपने जितना दिखाया उसमें एक जगह भी किसी ने एक सिंगल एविडेंस नहीं दिया था, सब बस बोले जा रहे हैं। और दोनों ने आधार क्या बनाया, विलियमसन का, जब तक सम्राट अशोक की लिपि नहीं पढ़ी गई थी, गुप्ता वंश की लिपि नहीं पढ़ी गई थी, भारत का इतिहास का हिस्टोरिक जो लैंग्वेज वो जानते नहीं थे, और वो सिमिलैरिटी बना दिए वो उस हिसाब से कि वो वहां से आए हैं, वहां से संस्कृत लेके आए हैं। तो उन लोगों को खुद भारत की लिपि नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ की भाषा नहीं पढ़, वो तो बहुत बाद में पढ़ा गया ना, तब से अपडेट ही नहीं हुआ। तभी तो मैं कहता हूँ कि लिंग्विस्टिक के आधार पर जो लोग इनको पुराना बताए हैं वो अपडेट ही नहीं हुए, विलियमसन का वही पुराना लेके चल रहे हैं। जी सर, मैं आप जी यहाँ पे आते हैं सर, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का द बुद्धा एंड हिज धम्मा बुक है, तो इसमें ये कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सर आपको? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हेलो जी, यहाँ पे हाँ जी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब लिखते हैं कि अमॉन्ग हिज डिसाइपल्स वेर सारिपुत्ता एंड मोगलन्ना, जो बुद्धा के डिसाइपल्स थे, बुद्ध के जो शिष्य थे, उनमें दो यंग ब्राह्मण्स थे, यंग ब्राह्मण थे बोल के बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे हैं। और जितने भी दुनिया के हिस्टोरियंस है, मैं इंडियन ब्राह्मण हिस्टोरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मनुवादी हिस्टोरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, गोरे लोगों की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण आए हैं 2000 BC या फिर 1500 BC के आसपास, 3500 ईयर्स पहले, 3500 साल पहले आए बोल के सब लोग कह रहे हैं।
बाबा साहब अंबेडकर भी कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप आमन हजार साल पहले आए, सबूत कहाँ है? ये क्यों सबूत है, इसमें कहाँ है? मतलब इसमें सबूत कहाँ है, ये क्यों है? आपको जब पता है, आपको आपने बाबा साहब जो कह रहे हैं, सुन लीजिए, बाबा साहब जो बात कह रहे हैं तो बाबा साहब बुद्धिज्म में कह रहे हैं ना, टू यंग, ये क्या कहते हैं, एमोंग हिज डिसिपल्स वर सारिपुत्ता एंड मुगलाना। तो सारिपुत्ता मुगलाना दोनों बुद्धिस्ट हैं, लिखे हैं टू यंग ब्राह्मिन्स। अब ये दोनों बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट में ऑलरेडी शमन और बमन होते हैं, तो उनकी बात चल रही है ना, ये आपकी थोड़ी बात चल रही है। ये थोड़े कह रहे हैं कि ये दो ब्राह्मण जो है वैदिक ब्राह्मण है या जो है जाके वहां पे यज्ञ हवन कर रहे हैं, ये अपने में बता रहे हैं ना कि इनके डिसिपल हैं, ये दोनों खुद बुद्धिस्ट हैं। तो बुद्धिस्ट में बमन और शमन होता था, उस बमन का ट्रांसलेशन ब्राह्मण किया जाता है। यहाँ पे बुद्धिज्म में जब आप बमन की बात करोगे या जो ब्राह्मण शब्द आएगा वो बुद्धिज्म का है, वो बुद्धिस्ट है, वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है ना उसका भाई। वो ये पाली पाकित में काम करने वाले लोग हैं, आपका कहां, आप संस्कृत की बात कर रहे हो, वेद की बात कर रहे हो, उपनिषद की, दोनों का बिल्कुल उल्टा है, दोनों का अलग है ना। बुद्धिज्म में ब्राह्मण का मतलब बमन शमन है ना, अलग चीज है वो। अच्छा, देखें, तो आपका कहना अभी ये तक है कि जितना भी आपने दिखाया है, हजार साल जितना भी अभी आपने जितना भी दिखाया उसमें एविडेंस अभी तक एक भी सिंगल एविडेंस नहीं है, सिर्फ क्लेम था उसमें। तो मैं ये पूछना है आपसे कि आपका अभी भी वही क्लेम है कि ब्राह्मण सिर्फ हजार साल पहले आए, उससे पहले ब्राह्मण नहीं थे, बुद्ध के समय पे ब्राह्मण नहीं थे, आपका यही क्लेम है सर? बुद्ध के समय में ब्राह्मण थोड़े थे, बमहन थे, वो बुद्धिस्ट थे, और जो पूर्व बुद्ध थे, ये पूरा सीरीज था ना उनका। ये आपका आज का जातिवादी ब्राह्मण थोड़े था, आज का जातिवादी ब्राह्मण होता तो मंदिर बना के, शंकराचार्य बना के अपना वो बजा रहा होता, ब्रह्मा विष्णु महेश बना के अपना मंदिर घंटा बजा रहा होता वहां पे, वो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों के साथ क्या करता, बमन शमन बन के उनके बीच में क्या करने जाता वो फिर। आज जो है वो अपनी तो अब ये कोई ये कहेगा कि अब आप ये कहोगे कि बुद्धा के समय में जो ब्राह्मण थे वो मंदिर जाते ही नहीं थे, तो भैया धर्म परिवर्तन कर लिए क्या आप? सब मंदिर में जा रहे हैं, सारा ब्राह्मण मंदिर में जा रहा है, रामकृष्ण मान रहा है। उस समय अगर मानते होते तो रामकृष्ण की मूर्ति बना देते, राजा सारे उनके मंदिर उंदिर बनवा देते, वहां पे बैठ के अपना मंदिर घंटा सब बजा रहे होते, तो धर्म परिवर्तन कर लिए क्या सब? वो बता दीजिए आप ही, ये सारे बुद्धिस्ट लोगों की यहाँ बात हो रही है, प्रॉपर ए टू जेड, आप बताइए। तो क्या बुद्ध के समय पे छुआछूत नहीं थी? बुद्ध के समय में कोई छुआछूत नहीं थी, छुआछूत की बात ही नहीं आई है वहां पे, आज के जो हिस्टोरियन है बिल्कुल नहीं है, बुद्ध के समय में कोई छुआछूत ही नहीं है। बुद्ध के समय में इवन एक औरत है जिसके यहाँ आनंद को, लड़की जो है ना आनंद को प्रपोज भी करती है कि आप मेरे घर आइए ना खाने के लिए, लेकिन क्या है कि उस समय का जो सामाजिक वर्गीकरण था वो ये था कि जिसको अछूत कह रहे हैं वो भी जाके और एक राजसी, एक मतलब कि एक अच्छे घर का लड़का जो है उसको भी जाके प्रपोज कर सकती थी, तो छुआछूत में तो परछाई तक देखने की आज्ञा नहीं थी। और उसके बाद भी आनंद जाते हैं उसके घर में, जाके एक रात रुकते भी हैं, लोग कहते भी हैं कि अरे उसके घर जा रहा है, लेकिन वो जाते हैं। इसका मतलब कि आज का जो छुआछूत वाला जो प्रथा है कि गले में मटका और ये, वो प्रथा नहीं थी वहां पे। वो तो एक तरह से आप आज की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो आनंद और बुद्ध तो खतिया हो गए ना, वो भी उसके घर में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ये आज वाला जो छुआछूत है ये और रैंकिंग में लो होना, दोनों में अंतर है। आज का नफरती एजेंडा है ना कि एक धर्म को ये मानने वाले ईश्वर ने कह दिया है ये अछूत है, ये अलग एजेंडा है, उस समय का सामाजिक वर्गीकरण अलग था। जी बोलिए जी। तो जब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि बुद्ध के समय पे ब्राह्मण थे, तो वो आपके हिसाब से वैदिक ब्राह्मण नहीं थे? देखिए बाबा साहब जो किताब लिख के गए हैं वो 1956 में लिख के गए हैं, समझ रहे हैं ना, और बुद्धिज्म और बाबा साहब के समकालीन जो थे वो थे केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल संकृत्यायन, तो वो त्रिपिटक का अनुवाद कर रहे थे लेकिन उनको पाली सही से आती नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं। अनुवाद भले ही कर रहे थे केदारनाथ पांडे राहुल संकृत्यायन, तो उस समय जितनी भी किताबें कंपाइल हुई हैं वो बुद्धिज्म का वो अर्ली वर्जन था जब वो लोग रिकम्पोज करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर आज की डेट के जो स्कॉलर हैं बुद्धिज्म के स्कॉलर, जब हम तिब्बत से कनेक्शन बन चुका है, तिब्बती स्क्रिप्चर से, चाइनीज के स्क्रिप्चर से, डिजिटल माध्यम आ गया है जिसमें सारे स्कॉलर एक साथ बैठ के सारा चीज कर रहे हैं, तो अब नई चीजें निकल के सामने आई है ना। पुराने समय में आज से आप 60 साल 65 साल पहले 70 साल पहले की किताब उठाओगे, उस समय के जो हमारे महापुरुषों ने कंपाइल किया अपने हिसाब से, उस समय जितनी डेटा थी उसके हिसाब से बेस्ट कंपाइल किया, पर आप
ये चीज अगर सोचोगे कि उसमें जो चीज लिखा है वही लकीर का फकीर है, ऐसा नहीं होगा। आज उससे ज्यादा हम लोग बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं, तब हमारे पास बहुत लिमिट सोर्स था। राहुल संकीर्त्यान गधे पर खच्चर पर लाद लूद के वहां से लेकर आए थे तिब्बत से कुछ कुछ चीजें जितना पॉसिबल हो सका, लेकिन आज लोगों के पास लैपटॉप है, बैठे बैठे एक्सेस लिया जा सकता है तिब्बत का, चाइना का। तो आज के स्कॉलर ज्यादा बेहतर बुद्धिज्म को अच्छे तरह से बता रहे हैं। ये चीज है यहाँ पे, आप किसी पुरानी चीज को उठा के सोचेंगे कि उसमें कहीं पे ये ब्राह्मण लिख दिया गया है, ये है वो नहीं है। आप पूरा उठाकर धम्मपद से लेकर सारे बुद्धिस्ट की किताब पढ़ लीजिए, वहां पे बमन शमन का मतलब बमन शमन ही है। एक जगह किसी त्रिपिटक में, कहीं किसी देश के त्रिपिटक में बताया गया हो कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को बांधने वाला था, कहीं नहीं है। मेगस्निज तक इस चीज का मेंशन नहीं करके गया। सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवा रहे हैं बमन शमन दोनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पे ब्राह्मण सीधे सीधे गाली दे रहा है, शमन को गायब कर दिया, जबकि वो लोग रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं। हम कैसे मान लें कि वही चीज की बात हो रही है? ये तो आप कह रहे हैं ना, आप जबरदस्ती उसमें खोज रहे हैं। बोलिए जी। ये मैं आखिरी अपना एक मैं प्रूफ रख देता हूं सर, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो द बुद्धा एंड हिज धम्मा में हिज एनिमीज बोल के, बुद्धा के जो एनिमीज हैं उसमें आता है ब्राह्मिन्स एंड द बुद्धा। एक बार इस सेक्शन को देख लेते हैं, बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं। When the blessed one was traveling about in the Kosala country, blessed one यानी कि the Buddha, with a large company of monks, he went down to a Brahmin village named Thuna. The Brahmin householders of Thuna heard the news. The Samana Gautama, they say, has arrived in the field of our village. Now the Brahmin householders were non-believers in the Buddha. In the Buddha, they were non-believers. Brahmin householders, yani jis Baman ke aap baat kar rahe hain, wo non-believers the Buddha. Holding wrong views and avaricious by nature. They said, if the Samana Gautama should enter this village and stay 2 or 3 days, he would convert all these people. यानी कि जो समन गौतमा है वो इन सारे ब्राह्मणों को कन्वर्ट कर देंगे। Then the Brahmin religion would have no support. ब्राह्मण रिलीजन का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। We must therefore prevent his entry into our village. तो ये उन ब्राह्मण विलेज लोगों का कहना था। To reach the village, a river had to be crossed. एक नदी को पार करना था। Or the Brahmins, in order to prevent the blessed one from entering the village, took the boats away from landing places. ब्राह्मणों ने बोट को क्या बोले सर, हिंदी बोट को क्या बोलते हैं? नाव, कोई बात नहीं, बोट बोल दीजिए, बोट ही बोल दीजिए। And made the bridges and causeways unusable. सारे ब्रिज सबको निकाल दिया। They filled all the wells except one with weeds and the like, and concealed the watering places, rest houses and the sheds. The blessed one learned of their misdeeds and having compassion on them. मतलब इतने ब्राह्मण भी बुद्ध के खिलाफ कर रहे थे, फिर भी बुद्धा उनको एक दया से, एक compassion से देख रहे थे। Crossed the river with his company of monks, went on and in due course of the time reached the Brahmin village of Thuna. He left the road and sat down at the foot of a tree. At that moment, many women were passing by near the blessed one carrying water. And in the village, an agreement has been made. If the Samana Gautama comes there, there is to be no welcome or the like made for him. Yani Samana Gautama ho ya fir unke jaise logon ko hamare Brahmin village mein koi adhikar nahi hai. And when he comes to a house, neither to him nor to his disciples in any food is any food or water to be given. कोई खाना पीना कुछ भी मत दो। तो ये भी पढ़ लूं सर, ये 11th 12th भी पढ़ लूं या फिर सीधा 14th को जंप करें, आपकी मर्जी है। आप जैसा जैसा आपको लगे वैसा आप कर लीजिए, आपको जो बताना है वो बता सकते हैं। मैं बस यही तक पढ़ लूंगा सर, ज्यादा आपका समय मैं लूंगा नहीं। इवन एंड दो द पीपल ऑफ दिस विलेज हैव रिजॉल्वड दैट नथिंग एट ऑल इज टू बी गिवन टू द समना गौतमा, and not even a show of respect is to be made. Koi izzat nahi deni chahiye. She said to herself, "Kaun? Yet if I have found these supreme fields of merit and worthy recipients of meritorious giving, I do not lay the foundation for my salvation by a mere giving of water. When hereafter shall I be released from woe? So be it, my masters. Let everyone who lives in this village beat or bind me. Chahe wo mujhe mare या मुझे बांध के करें, स्टिल आई विल गिव ए गिफ्ट ऑफ वाटर टू ए फील्ड ऑफ मेरिट सच एज दिस। यानी जो बुद्ध हैं उनके जितने महान व्यक्ति को मैं
कम से कम पानी तो दूंगी खोल के, चाहे ये विलेज के लोग मुझे मारे या फिर बांध दे. When she had made this resolve, though the other woman carrying water tried to stop her, रोकने की कोशिश की, without regard for her life, she lifted down the water jar from her head, सर के ऊपर से निकाला, placed it on one side, approached the blessed one, Buddha, and gave him water. He washed his hands and feet and drank the water. Buddha ne pani ko piya. Her master, the Brahmin, heard of her giving water to the blessed one. Wo unhone dekha unka master dekhke, she had broken the rule of the village and I am blamed, he said. And burning with rage, unko bahut krodh aaya, gussa aaya, and grinding his teeth, he hurled her to the ground and beat her with hands and feet because of that she died. यानी उस ब्राह्मण ने, जिस औरत ने बुद्धा को पानी दिया, क्योंकि उसको लगा कि चाहे कोई मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, इतने महान व्यक्ति को मैं पानी दूंगी, तो उस ब्राह्मण ने उस औरत की हत्या कर दी मार मार. तो ये बाबा साहब अंबेडकर, द बुद्धा एंड इज द मा में ब्राह्मण्स एंड द बुद्धा, जो हिज एनिमीज सेक्शन में आता है, उसमें बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे हैं. तो इसमें अगर समन गौतम, आप बोलते हैं कि बमन और समन तो सेम है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो जो समन गौतम है और जो पाली जो टेक्स्ट है उसमें ब्राह्मण आता है, बमन आता है, तो यहाँ पे तो लिखा है नाउ द बमन हाउस होल्डर्स वेर नॉन बिलीवर्स, जो ब्राह्मण थे वो तो बिलीवर्स नहीं थे बुद्धा में, होल्डिंग रॉन्ग व्यूज. तो दुनिया के सारे हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि बुद्ध के समय पे ब्राह्मण थे, 3500 ईयर्स पहले वो इंडिया में आए थे, वो आर्यन थे. आप कह रहे हैं कि 1000 साल पहले आए, सर क्यों, क्यों सर, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए आपके हिसाब से कब आए. ठीक है, हो गया ना, अब हाँ मैं बता देता हूँ. ठीक है, ठीक है, सुन लिया मैंने. अरे सुन लिया, एक कई बार आप बोलोगे वही. आपको जो है सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये समस्या है कि आप बमन शमन का अंतर समझ नहीं पा रहे हैं. त्रिपिटका है, अंबर सूट है. आपने अभी यहाँ पे जो दिखाया उसमें क्या दिखाया कि एक बमन का गांव है और बमन जो है वो, उनको डर है कि बुद्धा अगर इधर आएंगे तो सारा ब्राह्मण जो है बुद्धिस्ट बन जाएगा. वो सारे बमन को इस बात का डर लगा हुआ है. यानी कि आप एक बात तो ये तो कह रहे हो कि ब्राह्मण विदेश से आया, और दूसरा चीज कि वो इतना डरपोक और फट्टू भी बता रहे हो कि बुद्धा अगर उधर से गुजरेंगे तो सब के सब जो है वो बुद्धिस्ट बन जाएगा, इस बात का उसको डर भी है. दूसरी चीज कि एक महिला जो है पानी पिलाने के लिए कहती है कि हम जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए, तो वो पिला भी देती है, उसको मना भी करते हैं सब आदमी, पिला देती है तो उसकी हत्या भी कर देता है. सवाल ये है कि ब्राह्मण जो है उसके साथ वो महिला क्या कर रही है, अगर वहाँ छुआछूत है तो उसकी हत्या कर दे रहा है और इस तरह की बातें, और उनको डर भी है. अरे ब्राह्मण जो है, आज जितने ब्राह्मण है क्या ब्राह्मणों को डर लग रहा है कि कोई यहाँ से बुद्धिस्ट आ गुजरेगा तो वो हम सबको बुद्धिस्ट बना देगा. दरअसल वहां पे उन बमहन लोग थे जो उस समय के एजुकेटेड लोगों को बमहन कहा जाता था, पढ़े लिखे विद्वानों का जो होते थे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे, जो समाज को थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, उन्हीं को बमहन कहा जाता था. और बुद्धा जो है उनको कहा गया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी सारे बमहनों के बाप थे वो. तो सारे बमहन को डर लग गया कि बाप इधर आएगा तो हम तो बेटा नतमस्तक हो जाएंगे, तो सब डरे रहते थे. इसलिए वो, उनको ऐसा लगता था कि हम जो पढ़े लिखे हैं वही सबसे ज्यादा ज्ञान है. पर जिस दिन भेंट हो जाती थी बुद्धा का, उसे सब सरेंडर कर देते थे. तो ये यहाँ पे डर दिखाया गया है. यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया कि आपका कोई वैदिक ब्राह्मण है जो यज्ञ हवन करता है और दुर्गा काली राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता है, बुद्धा गुजरेंगे तो नास्तिक बन जाएगा, ये नहीं है. जो आपने कहा कि नॉन बिलीवर की जो आपने बात की, तो नॉन ऑफ कोर्स बुद्धा के समय में बमहन शमन थे, ये तो शमन थे ही, और बमहन वो लोग थे जो समाज को पढ़ा उढ़ा रहे थे, पढ़े लिखे थे. पर वो जो हैं बुद्धा पे कैसे बिलीव कर लेंगे, वो तो बुद्धा से जब इंटरेक्शन होगा तब तो उनके फॉलोअर बनेंगे ना. तो ये चीज है. अब मैं आपको त्रिपिटक का अंबट सूट यहाँ पे खोला मैंने, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप जो हैं कैसे बमहन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बमहन था कौन. इसमें दिखाता है अंबट सूट में कि मैंने ऐसा सुना, एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ कौशल में विचरते हुए इछांगल नामक ब्राह्मण ग्राम था, वहां पहुंचे. अब देखे यहाँ लिखा है ना ब्राह्मण ग्राम था, लिख दिया ब्राह्मण ग्राम था, वहां पहुंचे. वहां भगवान इछांगल के इछांगल वनखंड में मिले. अब वहां पे पोखर खाती ब्राह्मण ने सुना, अब सुन लीजिए,
पोखर खाती ब्राह्मण ने सुना शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रवण गौतम कौशल देश में चारिका करते जंगल में विहार कर रहे हैं। अब वो सारा चीज यहाँ पे हो गया कि एक ब्राह्मण भी सुन लिया और वो भी हो गया। अब वो यहाँ पे आ गया कि उसको सब लोग बहुत विद्वान समझते थे, तो उसने कहा कि आने दो, मैं डिबेट में ना उनको बजाता हूँ, मैं उनको डिबेट में। तो वो जो है इन दोनों में डिबेट हो जाता है। अब ये आगे यहाँ पे देखिए, तो पोखर खाती ब्राह्मण से हाँ भो कह अम्बट आमड़क आसन से उठ अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर घोड़ी के रथ पर चढ़कर मणवों के साथ जिधर इच्छानंगल वनखंड था उधर चला गया। आगे नीचे तब उन भिक्षुओं को यह हुआ कि यह कुलीन प्रसिद्ध अम्बट, अब अम्बट जो ब्राह्मण था मणवक अभिज्ञात पोखर खाती ब्राह्मण का शिष्य है, इस प्रकार के कुल पुत्रों के साथ कथा संलाप भगवा को भारी नहीं होता। और अम्बट मणवक से कहा, अम्बट यह बंद दरवाजे वाला विहार कोठरी है, चुपचाप धीरे वहां जाओ, बरांडे के अंदर खास कर जंजीर को खटखटाओ, बिलाई को हिलाओ, भगवा तुम्हारे लिए द्वार खोल देंगे। अब अम्बट का साक्यों पर आक्षेप, अम्बट मणवक ने जहां बंद दरवाजे वाला विहार था चुपचाप धीरे से वहां गया, बिलाई को हिलाया, भगवान के द्वारा खोल दिया, अम्बट मणवक ने भीतर प्रवेश किया, मणवकों ने भी प्रवेश कर भगवान के साथ संबोधन किया। अब ये दोनों में बातचीत चलने लगी, तो बातचीत चलती है तो क्या अम्बट क्या वृद्ध महलक आचार्य प्रचार्य ब्राह्मणों के साथ कथा संलाप ऐसे ही होता है जैसा कि तू चलते खड़े हुए बैठे हुए मेरे साथ कर रहा है? नहीं हे गौतम, चलते ब्राह्मणों के साथ चलते हुए, खड़े ब्राह्मणों के साथ खड़े हुए, बैठे ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए बातें करनी चाहिए। सोए ब्राह्मण के साथ सोए बात कर सकते हैं, किंतु हे गौतम, जो मुंडक श्रमण सभ्य नीच काले ब्रह्मा बंधु के पैर की संतान है, उनके साथ ऐसा ही कथा संलाप होता है जैसा कि आप गौतम के साथ। अब यहाँ पे जब ये सारी बातें चलती है तो वो अम्बट जो है प्रॉपर ब्राह्मण है, और यहाँ पे अब जैसे जैसे आगे बात चलते जाती है नीचा भी दिखाते जाता है, तो बुध जो है उसको क्या बताते हैं, शाक्यों की उत्पत्ति। अब यहाँ पे आ जाइए, तब अम्बट राजा इच्छवांकु ने यह उदान कहा, अहो कुमार शाक्य, हे महाशाक्य, हे राजकुमार, तब से अम्बट यह शाक्य नाम से प्रसिद्ध हुए, वही इच्छवांकु तुम्हारा बुध पूर्व पुरुष था। अब यहाँ इच्छवांकु ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे दरअसल उकाक शब्द है, लास्ट में करेक्ट भी किया गया है, अनुवादक ने गलती से इच्छवांकु लिख दिया था। फिर लिखते हैं, अम्बट राजा इच्छवांकु की दिशा नाम की दासी थी, उससे कृष्ण यानी कड़ह नामक पुत्र पैदा हुआ। पैदा होते ही कृष्ण ने कहा, अम्मा धोवो मुझे, अम्मा नहलाओ मुझे, ये सब कह के फिर आगे कहता है, इसी कृष्ण से आगे कृष्णय प्रसिद्ध हुआ, वही कृष्णयायनों का पूर्व पुरुष था। इस प्रकार अम्बट तुम्हारे माता पिताओं के गोत्र को ख्याल करने से शाक्य आर्य पुत्र होते हैं, तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो। त्रिपिटक में यह दिखाया गया है कि जो अम्बट आया था डिबेट करने के लिए बुधा से ब्राह्मण बन के, उसको उसका पूरा हिस्ट्री खोज के निकाल देते हैं कि कैसे तुम उका के पुरुष हो, किसके पुत्र हो, खानदान से, और तुम क्या हो वास्तव में, तो बोलते हैं तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां पे कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों के गांव में रहता था, ब्राह्मण था, सब चीज था, लेकिन इनकी क्या थी, ये खुद भी शाक्य था। बताते हैं कि तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो, ऐसा कहने पर उस मणवक को कड़े दासी पुत्र वचन से मत लजावे, हे गौतम, अम्बट मणवक सुजात है, कुल पुत्र है, बहुशुद सुवक्ता पंडित है अम्बट मणवक, इस बात से आप गौतम के साथ वाद कर सकते हैं। अब उससे पूछते हैं वो, तो अम्बट कहता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। यानी यहाँ पे आप त्रिपिटक को अगर ध्यान से नहीं पढ़े हैं, जब थोड़ा बहुत लोग पढ़े होते हैं तो वो हमेशा इस गलतफहमी में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि वही सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शाक्य पुत्र भी ब्राह्मण बन के घूम रहा था, अपनी ढंका दुनुबी बजा रहा था कि आने दो बुद्ध को, हम उनको डिबेट में हरा देंगे। ओपन चैलेंज, आप इस चीज को समझिए कि त्रिपिटका जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको वो ब्राह्मण गांव में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण आज का जातिवादी ब्राह्मण, उसका खानदान से पता चल रहा है कि वो शाक्यों के दासी का पुत्र है, समझ रहे ना। आप बहुत सी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें आप पढ़ेंगे कि कई ब्राह्मण चैलेंज देते हैं बुद्धा को, जब डिबेट होती है तो पता चलता है, उनकी पूरा खानदान का लिस्ट निकाल के दिखा देते हैं कि क्या तुम इधर उधर बड़े पड़े हो, तुम खुद शाक्य के पुत्र हो, तुम दासी पुत्र हो, क्या तुम ये सब लगा रखे हो। हालांकि ये जो अनुवाद जो लोग करते हैं हिंदी में तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी ब्राह्मण लिख देगा,
कवि शूद्र लिख देगा अनुवाद करने वाला, लेकिन ओवरऑल कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि शाक्य पुत्र खुद ब्राह्मण बने घूम रहे थे। ये चीज है यहाँ पे ओपन चैलेंज। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी और समय कम है तो यहीं पे मैं क्लोज भी करता हूँ। जो भी क्लेम है आप कितना भी क्लेम कर लीजिए, पर एक बात याद रखिए कि अगर आपने बुद्धिज्म के ग्रंथों का सही से अध्ययन नहीं किया है तो आप बार बार, अब बताइए यहाँ पे अम्बट जो है वो खुद दासी पुत्र है, शाक्य का पुत्र है, ब्राह्मण बना घूम रहा था, डिबेट के लिए चैलेंज पर चैलेंज बुद्धा को किए पड़ा हुआ था, अब बुद्धा उसकी पूरा खोल के रख देते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, नीचे यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि वो काको इच्छुआंकु कहना उचित नहीं है, ऊपर इच्छुआंकु जो लिखा गया था उसको यहाँ पे, और ये देख लीजिए ये आप लोग दिघ निकाय में आया है, ये दिघ निकाय है, दिघ निकाय में पूरा आया है अम्बट सूत्र, पढ़ लीजिए किसी को भी जिसको भी डाउट है तो।